रामगढ़ जिला के पतरातु प्रखंड के ग्राम रस्ता में स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट कराटे ट्रेनिंग सेंटर खुला है, जहां प्रशिक्षण के लिए मार्शल आर्ट कराटे के सभी आधुनिक उपकरण मौजूद है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चे बच्चियों को मार्शल आर्ट कराटे की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग दी जाती है। इस मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सेंटर में इंटरनेशनल लेवल के कराटे के खिलाड़ी तैयार किए जा रहे हैं, जो पतरातु प्रखंड ही नहीं रामगढ़ जिला एवं राज्य के लिए गौरव की बात है। इस ट्रेनिंग सेंटर में 5 साल के बच्चे से लेकर 18 साल के बच्चे एवं उससे भी बड़े लोगों को दिन रात कड़ी मेहनत कर पसीना बहाते देखा जा सकता है, जहां इंटरनेशनल लेवल की प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ी तैयार किए जा रहे हैं। पतरातु की धरती ने पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय कराटे पदक विजेता दिए हैं। उक्त बातें SDPO वीरेंद्र चौधरी ने रसदा बस्ती में एक दिवसीय मार्शल आर्ट कराटे प्रशिक्षण शिविर में बतौर मुख्य अतिथि लोगों को संबोधित करते हुए बताया। उन्होंने आगे कहा कि आप कराटे सीखकर शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं, खासकर लड़कियों के लिए कराटे आज के लिए सबसे बड़ा हथियार है। लड़कियां कराटे सीखकर इतनी सक्षम जरूर बन जाएगी कि असामाजिक तत्वों से वह अपनी रक्षा स्वयं कर पाएंगी। बताते चले कि आज के इस प्रशिक्षण शिविर में पतरातु थाना के थाना प्रभारी शशि प्रकाश भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित होते हुए छोटे छोटे बच्चों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि आप अभी छोटे हैं और आप इतनी इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत से भविष्य में निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता बनेंगे तथा अपने क्षेत्र और अपने शिक्षकों का नाम रोशन करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कराटे आज के युग में सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। मॉडर्न मार्शल आर्ट कराटे फेडरेशन ऑफ इंडिया सह इंटरनेशनल गोसुक्यूरियो कराटे एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित एक दिवसीय मार्शल आर्ट कराटे प्रशिक्षण में रामगढ़ जिला के विभिन्न क्षेत्रों से भुरकुंडा, सौंदडी, पतरातु, डीजल कॉलोनी, PTPS, जिंदल, बलकुदरा, गेगदा, लबगा, रसदा के लगभग 100 बालक बालिकाओं ने भाग लिया, जिन्हें सेंसे विकास पाठक ब्लैक बेल्ट तृतीय डॉन के द्वारा कुमिते काता किहोन का विधिवत प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य प्रशिक्षण जूनियर टाइगर ली उपस्थित थे, जिन्होंने कैंप में भाग लेने आए बच्चों को वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के नए नियमों को विस्तार से बताया। साथ ही कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण केंद्र में उच्च स्तरीय खिलाड़ी उभर कर बाहर आते हैं। उन्होंने बच्चों को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक के साथ ही साथ चारित्रिक एवं आंतरिक शक्तियों के विकास करने के कई तकनीक सिखाए। इस मौके पर कई गणमान्य व्यक्ति एवं अभिभावक उपस्थित थे। पतरातु से विकास पाठक की रिपोर्ट। सेल्फ डिफेंस तो तुम्हारे पास रहेगा, तुम दूसरे को नहीं मारोगे, कोई बात नहीं, लेकिन तुमको कोई मारे, तुमको कोई बदमाशी करे, तो उस समय तो तुम अपना अपनी शक्ति दिखा सकती हो। हाँ, तो ये बहुत जरूरी है। आप सभी बच्चे अभी से सीखेगा तो समझ रहे एकदम खूब एकदम खाना भी थोड़ा सा जैसे देखो ये खा रहा लगता है वो भी खा रहा है, एकदम दिख रहा है, तो खाने खाना भी है उसमें और तो खुद सीखना है और पढ़ाई भी करना है ना, पढ़ाई भी करना है, पढ़ाई को मतलब इग्नोर नहीं करना है, पढ़ाई भी करते रहना और ये भी करना है। और जब कुछ समय आ जाएगा तो एकदम जुनून पैदा करना है कि एकदम जैसे ओलंपिक वगैरह में जाना है, नेशनल इंटरनेशनल में जाना है, तो उस समय जो है उसके लिए तैयारी करना है। अभी तत्काल ठीक है, अभी ठीक हो रहा है सबको, अभी तो इतना मासूम बच्चा है जो और फिर भी आ रही है तो इसे इतना भुरकुंडा से कराटे सीखने के लिए मार सकेगी ना तुमको, फिर तुमका इतना बड़ा बच्चा तुमसे भिड़ जाएगा तो उसको मार सकेगी ना। हाँ, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो अभी कराटे आपको बच्चे सब सीख रहे हैं, हम सभी बच्चे सभी को हार्दिक शुभकामना देते हैं। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि बता सकते हैं आज कि जो आपका गुरु हैं, जो आप लोग को अभी कराटे सिखा रहे हो, वो मेरा भी गुरु रहे हैं, हमको भी कराटे सिखाया है। इनका तो मैंने बहुत ही देखा है, तो इनसे एकदम एकदम सीखना है और हिम्मत रखना है, जज्बा रखना है वो, और एकदम लगातार इसको अपना अपना जो सीखने का तो काम करते रहना है, साथ साथ पढ़ाई भी करना है। कि तुम फाइट में तुम मैच खेलने के लिए सीख रहे हो, तुम मेडल जीतो, आगे तक जाओ, नेशनल इंटरनेशनल तक जाओ, ये है कि फाइट के लिए। और दूसरा है कि सीख रहे हो तो कभी ना कभी सेल्फ डिफेंस में काम आएगा। तुम गए बाजार में, कोई ऐसा आदमी मिल गया या किसी से झगड़ा हो गया, तो खुद को बचाना है, अगला को कम से कम इतना डैमेज करना है कि वो फिर तुमको अटैक ना करे, परेशान ना करे, तुम सेफली घर लौट जाओ।
ये दो चीज सीखना है इसमें मेन होता है कि डर निकालना था। हमको बढ़िया खेलना है, एक होता है कि नहीं जानबूझ के तेज चला रहा है, एक है कि जो रियल में वो जानता है वो नहीं आ पा रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो तुम कर रहे हो प्रैक्टिस वो दिखना चाहिए कि हम फाइट के लिए कैसे किक चलाना है और सेल्फ डिफेंस के लिए कैसे चलाना है, ताकि दोनों जगह तुमको यूज हो पाए। ठीक है,